कि आप देख रहे हैं हिस्ट्री फॉर पॉइंट यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या बोल दे सिविल, या फिर बोल दे दोस्तों केमिकल, किसी न किसी रूप में यह सब्जेक्ट आप में है ही और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं विंड एनर्जी सोर्स क्या होता है, यानी कहे तो विंड पावर प्लांट क्या होते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो भी दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, बिना स्किप के तभी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान है दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे अपनी तरफ से एक लाइक और एक शेयर करना ना भूले। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विंड एनर्जी सोर्स यानी पवन से ऊर्जा कैसे बनाई जाती है, या विंड पावर प्लांट के बारे में जानेंगे। गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से, क्योंकि गाइस यह सब्जेक्ट आप में जो ये टॉपिक्स चल रही हैं, यह आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ में गाइस आपके अगर जनरल इंजीनियरिंग है, अगर आपका BEEE या BME या इस तरह के सब्जेक्ट हैं, तो गाइस आपको यह पढ़ना ही होगा, क्योंकि गाइस यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आज के एग्जामिनेशन पर्पज से। तो देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर बनाया गया है। पवन चक्की कैसे काम करती है, कैसे वर्क होता है, सब कुछ जानेंगे। ये देखिए, सबसे पहले बेस पृथ्वी तल का दिखाया गया है, एक आधार होता है इस तरीके से बड़ा सा खड़ा रहेगा, ठीक है। अब तो मॉडर्न तरीके से आने लगे हैं, पहले तो इस तरीके से मिट्टी का बनाते थे या ईंटों का बनाते थे, लेकिन अब मॉडर्न तरीके आ गए तो लोहे वगैरह का बना लेते हैं। यहाँ पर होता है गाइस कि ऊपर एक पंखुड़ी लगी होती है। अब तो गाइस एरोब्लेड का इस्तेमाल किया जाए, जो कि पहले से काफ़ी तेज है, ठीक है, जो कि थोड़ी सी हवा पाएंगे और घूमने लगते हैं, जबकि पहले के नहीं, पहले के बहुत तगड़ी हवा आती थी तभी घूमते थे। तो गाइस यहाँ पर क्या लगे हैं, पंखुड़ी लगी है यानी पंखे। ये पवन चक्की का पूरा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रॉड वगैरह लगाकर भाई पवन चक्की से घूमती है, तो जब ब्लेड घूमेगा तो आपको पता है भैया सीधे सीधे मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगी, यम्मी प्राप्त होगी। अब जैसे ही मैकेनिकल गाइस प्राप्त होगी, तो आप जनरेटर सेट का यानी देख सकते हैं, जनरेटर सेट, जनरेटर मतलब यहाँ पर GE का उपयोग करेंगे और आप जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेंगे। और गाइस यह देख सकते हैं बहुत आसान प्रोसेस होता है, लेकिन गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है हवा की। जब तेजी से हवा रहेगी तभी काम करेगा, क्योंकि हवा नहीं चलेगी तो ये काम नहीं करेगा। कहाँ पर उपयोग किया जाता है ये भी जानेंगे, आइए समझ लेते हैं सबसे पहले फटाफट से। यहाँ पर गाइस आप देख लीजिए, पहले यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको बतानी है कि भैया हवा पहले कैसे चलती है, क्योंकि हवा कैसे चलती है ये नहीं जानोगे तो आगे कैसे जान पाओगे, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर तापांतर के कारण भी हवाएं चलती हैं, ठीक है, के कारण ही चलती हैं ऑलमोस्ट, ज़्यादातर तापांतर के कारण। जिस समय सूर्यातप की मात्रा यानी सूर्य की जो गर्मी है वो बहुत अधिक होती है, बहुत लाइटली सूर्य रोशनी देता है, तब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की हवाएँ गर्म होकर तेजी से ऊपर उठ जाती हैं, तथा उसके खाली स्थान को भरने के लिए आपस मतलब या कहें आसपास से कम ताप और अधिक दाब वाली हवाएं तेजी से गति करती हैं। मतलब भैया जब हल्की हो गई तो ऊपर जाती है, आपको पता हल्का चीज ऊपर रहता है भारी नीचे, तो वो भरने आएगा, इस कारण से गाइस हवा चलती है। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पवन अत्यधिक मात्रा में चलती है, जिनसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ये तो रही बेसिक बातें। अब जो हमने फिगर बनाया था उसके अनुसार सब मोटा मोटा समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, पुराने पवन चक्की के पंख उचित ढंग से डिजाइन नहीं थे, इसलिए पवन चक्की के पंख को घुमाने के लिए अधिक वेलोसिटी यानी वेग वाले हवा की, एयर की हमें जरूरत पड़ती थी उस समय। लेकिन गाइस हुआ क्या, परंतु एरोडायनामिक डिजाइन, हमने कहा ना एरोडायनामिक डिजाइन आ गया, इस तरीके से टर्माइन में भी आया था एरोडायनामिक डिजाइन। एरोडायनामिक डिजाइन की सहायता से बहुत कम हवा के वेग पर ही पवन चक्की के पंख को घुमाया जा सकता है, जबकि 5 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति पर अत्यधिक दक्षता प्राप्त की जा सकती है। ध्यान देना, हवा सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति हावर्स चले उसे भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गाइस इससे पहले क्या होता था, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानों जैसी हवा चलती थी, तब वो पहुंच की काम करे, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है, इसके लिए कम पर भी काम चल जाएगा। देखिए, इसका प्रयोग स्टोरेज टैंक में पानी पहुंचाने, यानी जो भैया इससे बिजली प्राप्त होगी, स्टोरेज टैंक में पानी पहुंचाने, बिजली उत्पादन के लिए तो करते ही हैं, अनाज व गेहूँ पीसने इत्यादि जगहों पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों और भी जगहों पर किया जाता है। भारत में पवन मिले राजस्थान, यानी जो ये पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं, कहाँ कहाँ पर लगी हैं, पवन चक्कियाँ राजस्थान के कई जगहों पर लगाई गई हैं, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर इत्यादि में गाइस आप पवन चक्की को देख सकते हैं। अब गाइस देखिए कैसे इसका
वायु प्रवाह की दिशा तथा तीव्रता बदलती रहती है, इसका उपयोग क्यों ज्यादा नहीं करते इसके बारे में बताएगा। देखिए, वायु प्रवाह की दिशा तथा तीव्रता बदलती रहती है जिससे वर्ष के कुछ महीनों में ही पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में जब आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हवाएं चलती हैं जिस कारण से पंखुड़ियाँ तेज़ी से घूमेंगी और हमें अच्छे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें सर्दियों में यानी शीत ऋतु में तो वहाँ पर हवाएं इतनी गाइस नहीं चलती जिस कारण से इतना सारा हम विद्युत नहीं, इसलिए कुछ ही महीनों में इसका उपयोग करते हैं फिर तो ये बंद ही पड़ी रहती है। तो बहुत कम इसका उपयोग किया जाता है इसलिए इसका ज़्यादा मतलब उतना नहीं है स्कोप, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। आई होप आज की जो वीडियो लेक्चर थी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। नए हो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।